Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccanistani Reactions. In today's video, I'll react to special reports on F.O. Maryam Mukhtar Shahid. So let's start the video. मरियम मुख्तियार को अपनों से बिछड़े 3 बरस बीत जाएंगे, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं जब इस घर में मरियम को याद ना किया जाता हो। उसका कमरा आज भी उसका मुंतजर, तो एल्बम में मौजूद बेशुमार तस्वीरें उनके वालदैन के लिए अब यादों का खजाना है। खास करके तुम ही से मुजाहिद हो, अभी भी मैं सुनती हूँ मरियम का वो फेवरेट सॉन्ग था, और उसी को मरियम हर वक्त अपने रूम में चलाए लगती थी जब वो अपनी प्रैक्टिस करती थी, और उसी को ही देख के वो एक्साइटेड हो जाना, और वो खुद इतनी एनर्जेटिक होती थी कि वाकई वो कुछ कर दिखाएगी, क्योंकि मरियम कुछ भी कर सकती थी और हमें हमारी तरफ से इजाज़त थी। हाँ, ये ज़रूर था मेरे दिल में कि मरियम पायलट की जगह पे एरोनॉटिकल इंजीनियर या एडमिन या कोई और प्रोफेशन उसमें ले ले, एयरफोर्स में चली जाए। लेकिन जब मैंने उसका अपना इंटरेस्ट देखा, और उनके पापा तो ये कह रहे थे इसको जाने दो, होना तो इसने सिलेक्ट वैसे भी नहीं है, और अपना शौक पूरा कर ले वरना वो हमें कहेगी कि बाबा मैं तो पता नहीं क्या कर लेती, आपने रोक लिया। तो कहते थे मरियम ये देख लो, ये फौज है मौज नहीं है, आप सोच समझ के जा रहे हो तो आप सारी वापसी की कश्तियाँ जला के जाओगे। मुझे कहती थी मम्मा मेरी जो एकेडमी की फ़ोटोग्राफ्स है, आप ये देखें, देखो मुझे ये सर्टिफिकेट्स मिले, आज मुझे ये मिला। मरियम हाँ तो ठीक है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सा आपको गोल्ड मेडल मिला है। अरे मम्मा गोल्ड मेडल ही नहीं मिलते, अब आप बड़ी हो जाएं, ये हमारी अचीवमेंट्स है, आप तो वही टिपिकल माँ की तरह गोल्ड मेडल ले आओ। जब हमारे साथ थी तो मुझे एक आम बच्चे की तरह वो लगती थी, मैंने कभी महसूस नहीं किया कि शी इज़ अ डिफरेंट। लेकिन यस, अब जब मैं करता हूँ उसकी शी इज़ नॉट हियर, तो मैं महसूस करता हूँ कि उसमें क्या क्या खूबियाँ थी। कभी कभी मैं उसको कहता था मरियम ये आपकी डिग्री क्या होगी, BSc होगी, BS ऑनर्स होगी, क्या होगी? तो मुझे कहती बाबा मुझे आई एम लीस्ट कंसर्न, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, मेरा ये बैज लग जाए, मेरा जो विंग लग जाए फ्लाइंग का, बस ये मेरी जो है एम है। सुबह 9 बजे मरियम का फ़ोन आया कि बाबा मेरी मामा फ्लाइंग है, अगर मैं आ गई तो मैं फ़ोन करूँगी, अगर मैं नहीं आई तो आप समझ जाना। ये वो हर फ्लाइंग में कहती थी, स्पेसिफिक उसने उस दिन के लिए नहीं, और मेरा हर वक्त यही जवाब होता था कि हाँ मरियम ठीक है, कोई बात नहीं, और आप चले जाओ, नहीं आओगे तो मुझे इधर उधर से खबर पड़ जाएगी। बस अब आप सोचें कि हम अकेले जब दो मियां बीवी इस खाली घर में जब पहुंचे होंगे, फिर मैं वो कहती हूँ कि मैंने कितने अपने दिल में जबर किया, मैंने वजू करके 2 रकात नमाज अदा की है इस माहौल में, इस जबकि ये हादसा ऐसा था पूरी दुनिया शॉक्ड। September 6 में आप देखे, साथ ही हमारा एयरपोर्ट है, घर से बाहर निकले तो मरियम की ग्रेवयार्ड है। ये तो इवेंट साल में 4-5 आते हैं, हमारे पास तो ये रोज़ का इवेंट है। मैं टेरेस पे खड़ी होती हूँ तो सारे एयरक्राफ्ट यहाँ से गुजरते हैं, बाय रोड बाहर निकलती हूँ तो मरियम की ग्रेवयार्ड। फिर भी अपने आप को बहुत हिम्मत दी है, संभाला है, और अपने टाइम अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए अब मैंने ये सोचा है कि मैं मरियम के लिए एक किताब लिखूँ। सबसे अहम बात तो ये है कि औलाद अपनी पेरेंट्स से पहचानी जाती है, अपने माँ बाप से पहचानी जाती है। हमारे केस में बिल्कुल अल्टुगेदर डिफरेंट है, हम मरियम से पहचाने जाते हैं, मरियम के नाम से लोग हमें जानते हैं। आई एम नो मोर अ कर्नल नाउ, अब मैं मरियम का फादर हूँ।
खास करके बच्चियाँ, मेरे दोस्तों की बेटियाँ, बाकी लोग जो मेरे हल्का अहबाब है उनके लोग, वो चाहते, वो अभी मैं ये समझा था कि शायद इस हादसे के बाद वो कुछ डर सी जाएंगी, ऐसा कोई डर मैंने फील नहीं किया, ये आई डोंट नो, इस हादसे ने उन बच्चों में बड़ा हौसला दे दिया है, वो कहते हैं कि जी हमने जाना है। मरियम नाम है बहादुरी का, हिम्मत और जुनून का। आज यौम दिफा के मौके पर जब तमाम शहीदों को याद किया जा रहा है तो मरियम को कैसे भूला जा सकता है, जिसकी कुर्बानी से इस अर्ज़े वतन की बेटियों को ना सिर्फ जीने का हौसला मिला बल्कि कुछ करने का अज़्म भी मिल गया। कैमरामैन सलमान मुस्तफ़ा के साथ सिद्रा डार, न्यू न्यूज़ कराची। बहुत हार्ट टचिंग रिपोर्ट थी ये मरियम शहीद के बारे में, और जाने वाला चला जाता है और उसके पीछे उसके पेरेंट्स और उसको प्यार करने वाले उसको याद करते रहते हैं, तो शहीदों के पेरेंट्स भी कम बहादुर नहीं होते, वो भी उतने ही बहादुर होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। मेरी बेटी का नाम भी मरियम है, अभी वो 3 साल की हो चुकी है माशाल्लाह, और मैंने कहीं पढ़ा था कि जो हम अपने औलाद से जो प्यार करते हैं वो इसलिए नहीं कि वो हमारी औलाद है, लेकिन इट्स बिकॉज ऑफ द फ्रेंडशिप दैट वी डेवलप विद देम ओवर टाइम। जितना टाइम गुजरता है, जितना हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो टाइम के साथ वो रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और मोहब्बत बढ़ती जाती है टाइम के साथ। तो जिन माँ बाप के जवान बच्चे हैं, 20-25 साल उन्होंने उन बच्चों को पाला है, तो वो कैसी मोहब्बत होगी, कैसा रिलेशनशिप होगा, फिर भी वो अपनी औलाद को अपनी ख्वाहिश पूरी करने से नहीं रोकते हैं। लेकिन अगर सोचा जाए तो हम सबको इस दुनिया से किसी ना किसी दिन जाना ही है, और मरियम मुख्तियार शहीद और बाकी जितने भी शहीद हैं वो सब खुश नसीब है कि उनको अपनी मंजिल मिल गई है, वरना हम में से कितने सारे लोग हैं जो इतने बड़े हो गए हैं और अभी तक उनको समझ में नहीं आया कि वो उनका दुनिया में आने का मकसद क्या है और वो कौन सा काम है जो उनको पूरा करके जाना है इस दुनिया से। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने सही मकसद और सही मंजिल तक पहुँचाने में मदद अता फरमाए, और जितने भी शहीद हैं उनके माँ बाप को हौसला दें, हिम्मत दें और सब्र अता फरमाए। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चल देन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिया मैनिल्लाह।